सुप्रभात विद्यार्थियों, गत कक्षा में हम लोगों ने समास का चौथा भेद पढ़ा था और आज हम लोग समास का पांचवा भेद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चौथा भेद बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास का पांचवा भेद बहुव्रीहि समास। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का बहुव्रीहि समास की परिभाषा है प्रायेण अन्यपद प्रधानः। अन्यपद अर्थात जहां पर अन्य चीज की बात हो, अर्थात सामासिक पद में उस व्यक्ति का नाम तो न आए, है ना? सामासिक पद में उस व्यक्ति का नाम तो न आए परंतु बात उसी की हो रही है जो अन्य है, इसलिए इसको जो है वो प्रायेण अन्यपद प्रधानः बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे का शब्द प्रायेण अन्यपद प्रधानः बहुव्रीहि समासः। ठीक है, अब अन्यपद किस प्रकार से? तो बोले जो है उस व्यक्ति का नाम उस सामासिक पद में न आए परंतु उस अन्य व्यक्ति की बात हो रही है तो उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक और इसको पहचानने का तरीका है कि जहां पर भी यस्य यम यस्मिन यस्मिन, है ना, येन यस्मिन यम, ऐसे शब्द जहां पर भी आए, यह यो यह यो याम यम येन यह यो ये यम यो यान येन याभ्याम यस्मिन यस्मात् याभ्याम येभ्यस्य येषां यस्मिन येषु, इस प्रकार के शब्द जहां पर भी आए तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए इसका उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे कंठे कालः, अब देखो यहाँ कंठे कालः, अब कंठे कालः, कंठे अर्थात कंठ, काल यानी काला है कंठ जिसका, अर्थात इसका समास निकले क्या बनेगा? कंठे कालः यस्य सः, क्या बनेगा? कंठे कंठे कालः यस्य सः, अर्थात काला है कंठ जिसका ऐसा वह, काला समझो या नीला समझो, ठीक है, नीला है कंठ जिसका ऐसा वह, तो भैया काला कंठ जहर पीने से किसका हो गया है? नीला कंठ जहर पीने से किसका हो गया है? शिव का। इसका हो गया है शिव का, शिव, परंतु ये शिव इस कंठे काल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है? शिव की बात हो रही है, इसलिए जो है यहाँ अन्यपद प्रधान है। कंठे काल में कौन सा पद प्रधान है? अन्यपद प्रधान है, इसलिए कंठे काल में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि प्रायेण अन्यपद प्रधान यह यो यह यम यो यस्य यस्मिन, ऐसे जहां पर भी शब्द आए वह बहुव्रीहि समास होता है। उसी उदाहरण में हमने पहला उदाहरण दिया कंठे कालः, तो कंठे कालः यस्य सः, यस्य आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? यस्य, इसलिए जो है ये समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि प्रायेण अन्यपद प्रधान। दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं, प्राप्तो उदकम का उदाहरण समास दिया क्या बनेगा? प्राप्तम उदकम यमासः, प्राप्तम उदकम, प्राप्तम उदकम यमासः, बोले प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है उदक। उदक अर्थात किसको कह रहे हैं? उदक जो है एक प्रकार का पाक है, अर्थात खाने खाने की रसोई है। ठीक है, तो प्राप्त उदकम, प्राप्तम उदकम यमासः, इसमें भी अन्यपद प्रधान है। प्राप्त उदकम उदक, चावल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ चावल है क्या? चावल शब्द आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य सः, इसका समास क्या बन रहा है? पीतम, पीतम अम्बरम,
पीतम अमरम यस्य सह। अब देखो यहां पर सब में आ रहा है तो यह हमारा है प्राप्तम उदकम यमः सह प्राप्तम अमरम यस्य सह। अब देखो पीला है अंबर जिसका अंबर अर्थात वस्त्र पीले हैं वस्त्र जिसके ऐसा वह तो भगवान विष्णु विष्णु के वस्त्र कैसे हैं पीले वस्त्र हैं लेकिन पीतांबर नामक शब्द में सामासिक शब्द में कहीं विष्णु शब्द आ रहा है क्या नहीं आ रहा है पर बात किसकी हो रही है विष्णु की हो रही है इसलिए जो है ये कौन सा समास होगा प्रायण बहुत ही समास। अब इसका समास वगैरह क्या है ये भी याद रखना है बच्चों कंठे काल यस्य सः प्राप्तम उदकम् यमः सः पीताम्बर पीतम अम्बरम यस्य सः प्रायेण अन्य मुद्धान जहां पर भी अन्य मुद्ध की प्रधानता होगी वहां पर आपका निश्चित और निश्चित बहुव्रीहि समास ही होगा फिर अन्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अगला उदाहरण आया है दशानन क्या आया बच्चों दशानन दशा आनानी यस्य सः। अब ये आप बोलोगे कि ये क्यों उस द्विगु में नहीं गया हम लोगों ने द्विगु पढ़ा था बच्चों तो द्विगु में है कहा था कि संख्या परमो द्विगु कि जहां पर भी आगे संख्या हो वहां द्विगु होगा लेकिन पीछे ये भी कहा था संख्या के पीछे कि संख्या के पीछे समूह अर्थ होना चाहिए क्या होना चाहिए समूह लेकिन क्या दशानन दशानन कह रहे कि दशा आनानी यस्य सः ये यस्य आ गया इससे ये बहुव्रीहि हो ही गया लेकिन साथ ही दशानन एक ही व्यक्ति है रावण कौन है रावण अकेला व्यक्ति है पीछे समूह नहीं है रावण के दस जो है वो दस समूह नहीं है कि दस दस रावण है एक ही रावण है इसलिए यहाँ पर दशानन बहुव्रीहि समास में होगा। आगे का समय ये अपवाद नामक जो है इसका उदाहरण है रावण रावण तो रावण की बात हो रही है परंतु दशानन में रावण का नाम कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है इसलिए अन्य उदाहरण है ये भोगी समास का उदाहरण होगा क्लियर हो गया ये द्विगु का नहीं होगा दशानन पहले ही मैंने जब द्विगु पढ़ाया था तब भी बताया था और अभी भी विस्तार से इसको मैंने समझा दिया है। अब देखो लंबोदर लंबम उदरम यस्य सः लंबा है उदर जिसका अरे भैया लंबा उदर किसका है अच्छा बड़ा लंबा मोटा उदर किसका है लंबोदर किसको कहते हैं लंबोदर अरे लंबोदर गणेश को कहते हैं लंबम बोले जिसकी सूंड लंबी है उदर लंबा है ऐसा वाला लंबोदर तो गणेश को कहते हैं लेकिन इस गणेश का नाम लंबोदर में है क्या लंबोदर नाम सामासिक पद में गणेश का नाम है नहीं है परंतु तो बात किसकी हो रही है गणेश की हो रही है लंबोदर लंबम उदरम यस्य सः क्या बनेगा इसका लंबम उदरम यस्य सः बोले लंबा है लंबम उदरम यस्य सः लंबा है उदर जिसका ऐसा वह तो वह कौन है वह गणेश है गणेश की बात हो रही है अन्य पद प्रधान नहीं है लंबोदर में गणेश नहीं है दशानन में रावण नहीं है पीतांबर में विष्णु नहीं है प्राप्तोदकम में उदक नहीं है चावल ठीक है कंठे काल जो है वो शिव नहीं है इसलिए जो है इन सभी शब्दों में अन्य पद प्रधान है और इसी हेतु यह बहुव्रीहि समास के उदाहरण है क्योंकि बहुव्रीहि समास की परिभाषा कहती है कि प्रायः जिसमें अन्य पद प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास होता है। चलिए बच्चों इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए और समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से कि जहां पर भी अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो ठीक है इसके सारे उदाहरण आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा।